योगी सरकार 2.0 का पहला बजट विधानसभा में पेश। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया 6,15,518 करोड़ से ज्यादा का बजट। वित्त मंत्री ने कहा, दोबारा भाजपा को मौका देने के लिए जनता का शुक्रिया। बजट को सीएम योगी ने बताया जन आकांक्षाओं का बजट, कहा हर वर्ग का बजट में रखा गया ख्याल। ये बजट 5 सालों का एक विजन भी है। यूपी सरकार के बजट पर विपक्ष हुआ लाल। अखिलेश यादव ने कहा, यह बजट नहीं बंटवारा है। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर बजट को घिसा पिटा करार दिया। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी जाएंगे राज्यसभा। आरएलडी और सपा के होंगे संयुक्त उम्मीदवार जयंत चौधरी। आजमगढ़ से लोकसभा का उपचुनाव लड़ेंगी अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव। सूत्रों के हवाले से खबर, 26 जून को होना है लोकसभा का उपचुनाव। ज्ञानवापी पर जिला कोर्ट में सुनवाई जारी। वाराणसी कोर्ट में ऑर्डर 7-11 पर हो रही सुनवाई। वादी और प्रतिवादी पक्ष के 32 लोग कोर्ट रूम में मौजूद।